उसको थोड़ा देर ढक के रखेंगे तो पानी इसका निकल जाएगा, तो फिर बाद में ये वाला है उसको डाल देंगे, ढक देते हैं उसका पानी निकलने से तब काम हो जाएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, ऊपर वाले की जोड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ लौकी। ये हाइब्रिड वाला नहीं है दोस्तों, ये लोकल वाला है, घर के ऊपर में फला था, उसको हम लोग आज बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों, तो देसी लौकी है, इसका मस्त सब्जी बनाएंगे, बढ़िया लगेगा। आज हम लोग यही बनाएंगे। आज हम लोग सुबह आज इडली सब खा दिए हैं, साहू जी ने भी खाया, मैं भी खाया, तो अभी ये दोपहर के लिए भात है, बासी भात, उसके घर लौकी को खाएंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आज हम इसको छोटा छोटा बारीक बारीक करके मसाला दे के टमाटर दे के बनाएंगे दोस्तों, लकड़ी का चूल्हा में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। इसको मैं इस तरह का छील दे रही हूँ, पूरा लंबा लंबा छील के इसको बारीक बारीक काटूंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं दो टुकड़ा कर दिया हूँ, पूरा देखने में पूरा ऊपर से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी देखो कैसे पूरा मस्त है, पूरा बालक है दोस्तों, अंदर में बूढ़ा नहीं हुआ है। इसको इसे लंबा लंबा काटूंगी, बीच में दो टुकड़ा कर देती हूँ, इसे काटने में थोड़ा सहज होगा। इसको भी बीच में सीधा लगा देती हूँ में, बहुत ज़्यादा दिखेगा लेकिन दोस्तों आपको तो पता है लौकी में ज़्यादा पानी रहता है, सींच के थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं लौकी को इतना पतला पतला काट दिया हूँ, इतना सारा हो गया है, प्याज भी काट दिया हूँ दोस्तों। देखिए अभी टमाटर को काट रही हूँ, मैं मसाला पीस दिए ग्राइंडर में, अब इसमें टमाटर को छोटा छोटा काट के सब्जी बैठाऊंगी दोस्तों। तो हमारा दिन का लोकेशन देखिए, ये रहा पहाड़, बहुत मस्त लगता है, बहुत धूप हो गया है दोस्तों। देखिए आज मैं सोच रहा था उसको क्लीन करने के लिए दोस्तों, देखिए अभी क्लीन नहीं हो पाया है, फिर दुकान जाना पड़ेगा, दुकान का सामान लेना पड़ेगा, ये सब को क्लीन करना था मेरे को आज, ये सब को हटा के अच्छा से क्लीन करके ये जो झट्टा रखा है ना दोस्तों वहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि हॉरर बढ़ जा रहा है, नहीं तो गाय ढूक के खा देगा, गौ माता अगर ढूक के खा देगा तो नहीं बनता है दोस्तों, छोटा रह जाता है, नहीं फलेगा दोस्तों हॉरर। अभी उसका टाइम हो गया फलने का, अभी फूल पकड़ रहा है, होगा दोस्तों बहुत ज़्यादा होगा हॉरर, क्योंकि हॉरर डाल जो बोलता है ना दोस्तों, उड़िया में वही जो गायत्री जी ने बताया, वही हरड़ डाल जो है वही हो रहा है, लेकिन फूल पकड़ लिया, लेकिन अगर गाय गौ माता अगर ढूक जा के खा देगा तो नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए क्या करेंगे उसको झट्टा जो है उसको थोड़ा देंगे और उसको क्लीन करेंगे अच्छा से, मतलब तुलसी पौधा है ना दोस्तों उसका अंदर चोरा बनाएंगे, चोरा नहीं बना पाए दोस्तों, और 12 दिन और 7 दिन है दीपावली, इसको अच्छा से क्लीन करेंगे तो सब अच्छा लगेगा, इसीलिए क्लीन नहीं कर पा, टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। अभी देखिए बासन धुलाई करके रख दिए घर पे, फिर अभी खतकुल बाहर जाना है मेरे को, दुकान का सामान लाना है, बेसन ख़त्म हो गया है उसको भी लाना है, और चावल बीरी भी लाना है कल के लिए इडली बनाने के लिए, गायत्री जी भी फुर्सत नहीं है, मैं अभी जाऊंगा, लेट हो जा रहा है हम लोग को जाकर दुकान सामान लेकर आने से, अगर टाइम मिलता है तो उसको मैं क्लीन कराऊंगा दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें। माँ का तबीयत भी सही नहीं हो रहा है, गए थे हम लोग हॉस्पिटल लेकिन दवाई लाए थे, देखिए मम्मी जी का काशी भी नहीं छोड़ रहा है दोस्तों, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ काशी छोड़ जाए, काशी भी इतना दिन हो, 4-6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया आज लगभग, लेकिन नहीं काशी नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, सर्दी काशी जुकाम सब पकड़ लिया है, नहीं छोड़ रहे, कब हॉस्पिटल जाएंगे,
थोड़ा पैसा भी हम लोग का पास शॉर्ट हो जा रहा है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों हॉस्पिटल। एक बार गए थे जैसे भी करके लेके गए थे, उसमें भी खर्च हुआ था 1000 रुपया जैसा खर्च हो गया था। फिर भी अभी पैसा अगर कुछ भी होता तो लेके मम्मी को जाके डॉक्टर देखा था, लेकिन अभी क्या है कि पैसा हाथ में नहीं होता है। दुकान सामान ले आते हैं ना दोस्तों, पैसा नहीं बनता है। यहाँ पर जितना पैसा होता है बेचते हैं उसका ही सामान ले आते हैं दोस्तों, वो पैसा नहीं बनता है। गायत्री जी भी परेशान हो जाता है, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं होता है, दुख लगता है। मम्मी जी का सेवा करना तो बहुत अच्छा है। आप लोग, आपका घर में मम्मी पापा होंगे, अगर ज्वर बुखार हो जाता है तो आप लोग को कितना टेंशन होता है। हम लोग का भी ऐसे टेंशन होता है, हाथ में पैसा नहीं है कैसे ले कर जाऊँगा मम्मी जी को दवाई करने के लिए। आप लोग भगवान से प्रार्थना करें मेरा मम्मी ठीक हो जाए। देखिए दोस्तों, कढ़ी गर्म हो गया है, चूल्हा पकड़ा दी, तेल थोड़ा दे रही हूँ दोस्तों मैं, ज़्यादा नहीं देंगे इतना ही देंगे। टमाटर काट के रख दी हूँ, प्याज काट के रख दी हूँ, लौकी में पानी डाल दी हूँ, फिर इसमें चिकन मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक सब रख दी हूँ। यहाँ अदरक लहसुन पिसा गया है दोस्तों, देखिए अदरक लहसुन पेस्ट है, पीस दिए हैं। लकड़ी अभी ज़्यादा जलेगा, जलने का टाइम नहीं जलेगा, नहीं जलने का टाइम रहेगा तो जलेगा, पूरा जोर से जलेगा। सूखा लकड़ी है अभी लाई, खरीदी 200 रुपया में, वो भी बहुत इतने से ही देते हैं दोस्तों। 200 का लकड़ी, इतना दाम हो गया, अब सोना का भाव बिक रहा है। प्याज डाल दी दोस्तों, पीस के रखे हुए डाल दूंगी, थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो दोस्तों बहुत ही आग जल रहा है, अभी थोड़ा काम कर दो, हाथ जल देगा। हल्दी डाल दे रही, मिर्ची हम लोग का काम था दोस्तों, पूरा बहुत ही बहुत कम है, थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। अभी मिर्ची का पाउडर बनाना है दोस्तों, थोड़ा मसाला डाल दी दोस्तों, पानी थोड़ा दीजिए दोस्तों जी, पानी थोड़ा दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी लौकी को डालेंगे पानी, फिर दोस्तों छोटा सा कढ़ाई है, एक बार सीने देते हैं, उसके बाद में फिर बिना कम हो जाएगा तो फिर डालेंगे, इतना ही डाल देते हैं। अभी नमक डाल दे रही दोस्तों, उसको थोड़ा देर ढक के रखेंगे तो पानी इसका निकल जाएगा, तो फिर बाद में ये वाला है उसको डाल देंगे, ढक देते हैं, इसका पानी निकलने से इसका काम हो जाएगा दोस्तों।